वाली बना दे ए शेरा वाली मैया। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं बागेश्वर महिपाल और आप देख रहे हैं बागेश्वर दुर्गा पूजा का लाइव दर्शन। तो बहुत खुशी की बात है, बागेश्वर में भव्य रूप से माँ दुर्गा की नज़ारा दिखाएं। बाहर जो है एक से एक दुकानें खुली हुई है और पूरा माहौल बना हुआ है। इसके बाद जो है इस डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं जो हूँ आपको ले जाऊँगा रामलीला की ओर, क्योंकि अभी रामलीला की तैयारियाँ चल रही हैं, पूरस चल रहा है। और लेकिन आपको यहाँ का रूबरू कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बागेश्वर में क्या हो रहा है ये जानना आपका हक है और यह बताना मेरा कर्तव्य है। तो आप देख सकते हो विभिन्न प्रकार के मुखौटे आए हैं, एक से बढ़कर एक।
तो यही खासियत है बागेश्वर की। बागेश्वर का क्या कहना, हर चीज़ यहाँ बड़े उत्साह से लोग मनाते हैं और यही खासियत है हम लोगों की कि हम जो हैं कभी भी हो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ये सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जिनका जो है हमेशा एक प्रयोजन रहता है, यहाँ के जो लड़के हैं, ये रामलीला, ये जो दुर्गा पूजा महोत्सव है, यहाँ कोई लेबर नहीं लगता है। लेबर मतलब ये है कि पैसा देकर कोई कार्य नहीं होता। यहाँ के स्थानीय युवा जो हैं खुद रात भर मेहनत करते हैं, तब जाके इन चीज़ों का निर्माण होता है। तो यही खासियत है बागेश्वर की, तो बात ही विशेष है। और माताएं बहनें जो हैं इतनी जोश में हैं कि क्या कहना, मैया का चोला लाल रंग। मैया का चोला लाल रंग का, देखो बहुत विशेष बात है, और इससे बढ़िया बातें क्या होती है। अरे बाप रे, जय हो। सुबह हो गया और माता रानी के हमने दर्शन भी कर लिए, उनका नृत्य भी देख लिया। अब जो है धीरे धीरे हम भी अग्रसर अपने घर की ओर। दादा और जिनकी मैं बात कर रहा था, सक्रिय कार्यकर्ता जो ये सभी हैं, इनका जो है पूरी कोशिश रहती है कि यहाँ भक्ति से भक्ति रूप बस अभी थोड़ी देर में कोरस चल रहा है रामलीला में। मैया का चूल्हा लाल रंग का, Yeah।
तो अब जो है भैया हम चले ग्राउंड की ओर। ग्राउंड का मतलब ये है कि, और ठीक हो रहा, ग्राउंड का मतलब ये है कि नुमाइश का एरिया, नुमाइश ग्राउंड। भाई नुमाइश की बात ही अलग है, यहाँ जो है हर कोई जो है, एक से एक दुकानें खुली हुई हैं और हर किसी की एक उमंग है कि भाई जो है मैं चाट पकौड़ी से लेके मूंगफली से लेके हर चीज़ खाने की, और आइसक्रीम, कुल्फ़ी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ जिनकी दुकानें खुली हैं, तो उसका भी आनंद लेते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी डिस्कनेक्ट करें और तब जाके हम रामलीला की ओर चलते हैं।